हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आज विच इज़ लव कोरियन ड्रामा सीरीज़ की एपिसोड नंबर 10 की स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 10 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि पान शॉप वाली विच देखती है कि अचानक से उसके मैजिकल पोशंस ग्लो करने लग गए हैं और वो ये देखकर हैरान होती है कि जो होंग का दिया हुआ रिंग वाला नेकलेस भी ग्लो कर रहा है। वो ये सब कुछ देखकर कुछ परेशान सी हो जाती है और फिर वो एक मैजिकल बुल को घुमा घुमा कर कुछ पढ़ती है ताकि उससे रिंग नेकलेस देने वाली लड़की का एड्रेस पता चल जाए। तो उसे वहाँ पर जो होंग का एड्रेस नज़र आ जाता है। उधर हम जो होंग और संग थाई को एक थिएटर में देखते हैं और वहाँ पर सारे लोगों की मौजूदगी में वो किस कर रहे होते हैं, तो सारे लोग उनको अजीब अजीब सी नज़रों से घूर घूर कर देख रहे होते हैं। वहाँ पे संग थाई का सेक्रेटरी भी उनको ऐसे देख लेता है। फिर वो दोनों जब इर्द गिर्द देखते हैं तो काफ़ी एम्बेरस हो जाते हैं, फिर वहाँ से उठ के चले जाते हैं। उन्हें जल्दी जल्दी में पता ही नहीं चलता कि वो एक अंडर रिपेयर लिफ्ट में घुस जाते हैं। फिर जैसे ही उस लिफ्ट में ख़राबी होती है, यहाँ पर जो होंग एक चुटकी सी बजाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। संगताए काफ़ी हैरान हो के जो होंग को देखता है और फिर वहाँ पर रिपेयर मैन आते हैं और कहते हैं कि ये अचानक से कैसे सही हो गई, हमने तो इसकी पावर भी ऑफ कर दी थी तो ये लाइट्स कैसे ऑन हो गई। तो संगताए हैरान होकर जो होंग की तरफ देखने लग जाता है और उसे लेकर जल्दी में वहाँ से चला जाता है। घर आकर जो होंग परेशान होती है कि संगताए ने सारे रास्ते उसको कुछ भी नहीं कहा और फिर घर आकर भी उसे गुड बाय कहकर अपने कमरे में चला गया, कहीं मैं पकड़ी तो नहीं गई, अब मैं उसे क्या बताऊंगी ये सब कैसे हुआ। फिर अचानक ही उसकी नज़र उस बॉल पर पड़ती है जिसके सपने संग थाई खोया करते थे। दूसरी तरफ संग थाई अपने कमरे में खड़ा ये सब याद कर रहा होता है कि जब भी जो होंग चुटकी बजाती है तो कुछ ना कुछ होता ज़रूर है, और याद करता है कि एक दफ़ा उसने रात को चुटकी बजा के लाइट्स ऑफ की थी, एक दफ़ा जब वो अपने साथ उसे लेकर गया था तब भी सुबह उठकर उसने चुटकी बजा के ग्लास को अपने हाथ में लाने की कोशिश की थी, और अब एलिवेटर में भी चुटकी बजाकर उसने सारी खराबी को सही कर दिया। अब वो फिर से खुद बार बार चुटकी बजाकर देखने की कोशिश करता है कि कुछ होता है कि नहीं, जब कुछ नहीं होता तो कहता है कि ये सब उसने कैसे कर लिया, और वो याद करता है कि एक दफ़ा जो होंग ने उसे खुद कहा था कि मैं एक विच हूँ, और फिर अपनी इन्हीं बातों पर हंसता है कि मैं ये क्या उल्टा सीधा सोच रहा हूँ। इतने में वहाँ पर बूढ़ी विच आ जाती है और वो उसको रेस्टोरेंट का रेंट देती है। इसी दौरान वो संगताए की बॉडी पर ज़ख्म का निशान देखती है, तो संगताए उसे कहता है कि ये मेरे बचपन का एक ज़ख्म था, एक एक्सीडेंट की वजह से आ गया था। ये निशान देख कर बूढ़ी विच काफ़ी घबराहट हो जाती है, लेकिन फिर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह संगताए डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए जाता है और अपनी बॉडी पे लगे उस स्कार के बारे में डिस्कस करता है, तो डॉक्टर उसे कहता है कि स्कार के बारे में मॉडर्न मेडिकल के ज़रिए मालूम करना ज़रा मुश्किल है। उधर ऑफिस में संगताए इसी बारे में सोच रहा होता है, फिर सेक्रेटरी वहाँ पर एक प्रोजेक्ट के बारे में संगताए से डिस्कशन करता है, लेकिन संगताए तो और ही ख्यालों में खोया होता है। फिर संगताए उसकी बातों पर तवज्जो देने की बजाय उससे जो होंग के बारे में पूछता है कि कौन सी ऐसी स्ट्रेंज हरकतों की वजह से उसे बार बार स्कूल्स ट्रांसफ़र करना पड़ते थे, तो सेक्रेटरी उसे बताता है कि वो चुटकी बजा कर कभी ग्लास में पानी भर लेती थी, कभी मुरझाए हुए फूलों के पास से गुजरती थी तो वो फूल खिल उठते थे। लेकिन फिर सेक्रेटरी कहता है कि मैं इन बातों पर बिलीव नहीं करता, शायद ये इमेजिनेटिव बातें होंगी। संगताए बस हैरानगी से उसकी बातें सुनता रहता है और फिर सेक्रेटरी उसको ये भी खबर देता है कि आप जिस वाक्य का बार बार जिक्र करते हैं कि आप किडनैप हुए थे, इसका तो कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ भी नहीं है, ना ही कोई रिकॉर्ड है ऐसा। ये सुनकर संगताए और भी हैरान हो जाता है। उधर जो होंग हाथ में बॉल लेकर सोच रही होती है कि संगताए ने उसे बताया था कि वो यहाँ पर अपने बचपन में होने वाले वाक्य को सच साबित करने के लिए कोई एविडेंस लेने के लिए आया है, और उसने अपनी बेस बॉल का भी जिक्र किया था और कहा था कि वो इसी बिल्डिंग को अपने सपनों में भी देखता आया है, और उसके चेस्ट में किसी ने नाइफ भी घोंपा था। यह सोचते हुए वो बार बार बॉल की तरफ देख रही होती है। उधर तीनों विचेस जब किचन में काम कर रही होती हैं तो एक विच जो होंग के गले में नेकलेस देखकर कहती है कि ये संगताए ने दिया होगा तुम्हें, लेकिन जो होंग झूठ बोल देती है कि नहीं, मैंने खुद खरीदा है। फिर बातों बातों में वो उनसे पूछती है कि आप लोगों ने कभी किसी इंसान को हर्ट तो नहीं किया क्या,
लेकिन वो विचेस आगे से उसे ऐसी बातें करने से मना कर देती हैं और कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देती। यह सुनकर चोहोंग थोड़ी सी परेशान हो जाती है। फिर रात के टाइम संगथाई जब ऑफिस से घर आता है तो वो चोहोंग से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है। चोहोंग अचानक आवाज़ सुनकर वो बॉल को छुपा देती है। संगथाई उसके पास आकर बैठता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, तो वो आगे से उसको कह देती है कि कल थिएटर से वापसी पर ना तो तुमने कोई बात की और तुम्हारा मूड कुछ बदला बदला लग रहा है। इस बात पर संगथाई स्माइल करने लगता है, फिर उसे हक कर लेता है और अपने कल वाले वियर्ड बिहेवियर की वजह से उसे सॉरी भी बोलता है और उसे कहता है कि मेरे लिए इस दुनिया में सबसे प्रेशियस सिर्फ तुम हो। उनकी ये बातें बाहर खड़ी होकर बूढ़ी विच भी सुन रही होती है। अगली सुबह पान शॉप वाली विच चोहोंग का एड्रेस ढूंढकर राइस सूप रेस्टोरेंट पहुंच ही जाती है और रेस्टोरेंट में चोहोंग भी उसे देख लेती है। फिर वो दोनों बातें करने लगती हैं। वो पान शॉप वाली विच उसे कहती है कि तुमने पहले आकर मुझे बताया था कि तुम कन्फ्यूज्ड हो, तुम्हारा असल प्रिंस कौन है, तुम्हें मिला कि नहीं। तो आगे से वो ये भी कह देती है कि जब से तुम मेरे स्टोर पर आई हो वहाँ पर अजीबोगरीब से वाकयात हो रहे हैं, और वो उससे पूछती है कि आजकल तुम किस इंसान के साथ इन्वॉल्व हो, क्योंकि मुझे बहुत बुरी बुरी निशानियाँ मिल रही हैं, शायद ये तुम्हारे उस नेकलेस की वजह से हैं जो तुमने मुझे दिया था। इतने में ऊपर से छोटी विच आकर उनकी बातें सुन लेती है। पान शॉप वाली विच चोरी चोरी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो उन दोनों विचेस की आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और छोटी विच उस दूसरी विच को जूते मार मार के वहाँ से निकाल देती है। फिर वो अंदर आकर चोहोंग को डांटती है और उसे कहती है कि मैंने ये सब क्या सुना है, तुम्हें क्या कन्फ्यूजन थी, क्या संगथाई तुम्हारा असली प्रिंस नहीं है। लेकिन चोहोंग बात को टाल देती है, कोई जवाब नहीं देती। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ग्रैनी विच पान शॉप वाली विच के पास पहले कभी आई थी और फिर उसका गला दबाने की कोशिश कर रही थी। फिर खुद को बचाने के लिए पान शॉप वाली विच ने ग्रैनी को एक नाइफ दे दिया था जिसे लेकर वो चली जाती है। ये सब बातें याद करके वो पान शॉप वाली विच ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। रेस्टोरेंट में बूढ़ी विचेस चोहोंग को इस बात पर कन्फेस कर रही होती हैं कि अब उसे संगथाई वाली बात को ख़त्म कर देना चाहिए। जब उसे पता चलेगा कि तुम विच हो तो कहानी तो खुद ही ख़त्म हो जानी है, क्यों ना उससे पहले ही हम उससे रिश्ता तोड़ दें। और अब तो वैसे भी कन्फर्म नहीं कि वो तुम्हारा असली प्रिंस है भी कि नहीं। फिर ऊपर से संगथाई आ जाता है और वो ग्रैंडमास के लिए आइसक्रीम लेकर आया था, लेकिन आज ग्रैनीज का मूड सही नहीं था क्योंकि उनको शक था कि ये चोहोंग का प्रिंस है भी कि नहीं, तो वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती हैं। फिर चोहोंग और संगथाई रूम में इकट्ठे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। चोहोंग उसे बताती है कि ग्रैंडमास को हमारे रिलेशनशिप का पता चल गया है। तो संगथाई कहता है कि अच्छा, तभी उनका मूड ख़राब है, क्या वो मुझे पसंद नहीं करती। फिर वो परेशान होता है कि उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, जो भी मसला है मैं खुद को बदलने की कोशिश करूँगा। आगे से चोहोंग उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो। फिर वो दोनों किस करने ही लगते हैं तो इतने में ऊपर से संगथाई की मॉम पहुँच आती है और उनके पीछे पीछे सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर उसकी मॉम सारों को रूम से बाहर निकाल कर खुद संगथाई को एक थप्पड़ लगा देती हैं, जिसकी आवाज़ बाहर खड़े सारे लोग भी सुन लेते हैं। और वो उसे कहती हैं कि तुम किन चक्रों में पड़े हो, मुझे पता चल गया है कि तुम इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हो, तुम इन सब बातों को क्यों नहीं भूल जाते। और वो कहती हैं कि अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, बस मेरे साथ चलो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। उधर जाए वो बैठा अपना काम कर रहा होता है तो ऊपर से चोहोंग आ जाती है और वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। वहाँ पर बातों बातों में वो उससे कहता है कि आखिर तुमने हम दोनों में से संगथाई को ही क्यों चूज़ किया है, उसमें क्या स्पेशल बात है। आगे से चोहोंग उसे कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या करोगे अगर तुम किसी से लव करते हो और वो तुमसे कोई बात छुपाए तो तुम पे क्या गुजरेगी। लेकिन आगे से वो कहता है कि क्या तुमने मुझसे कुछ छुपाया है या संगथाई ने तुमसे। और वो ये भी कहता है कि अगर संगथाई ने कभी भी तुम्हें हर्ट किया हो तो मैं उसका बुरा हाल कर दूंगा। और वो उसे ये भी कहता है कि मुझे नहीं पता कि क्या तुम्हारा कोई सीक्रेट है, और अगर वो सीक्रेट संगथाई को पता चल जाए और वो तुम्हें ठुकरा दे तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं हर हाल में तुम्हें कबूल करूँगा। फिर घर आके चोहोंग संगथाई का दिया हुआ नेकलेस उतार देती है। दरअसल वो संगथाई के मॉम के हार्श वर्ड्स की वजह से काफ़ी हर्ट हुई थी। फिर रात को वो दोनों ग्रैनीज आपस में बातें कर रही होती हैं और वो याद करती हैं कि जैसे उन्होंने संगथाई की मॉम को पहले भी कभी देखा हो, और साथ ही साथ उन्हें संगथाई की चेस्ट का वो स्कार भी याद आता है।
तो वो एकदम से परेशान हो जाती हैं और वो एक दूसरे से कहती हैं कि अच्छा वो सालों पहले वाला वो बच्चा असल में संगताई है। फिर चोहोंग और संगताई को इकट्ठे वॉक करते हुए दिखाते हैं। संगताई उसे सॉरी बोलता है कि कल मेरी मॉम ने काफ़ी सख्त बातें की थी। फिर संगताई नोटिस करता है कि आज उसने नेकलेस भी नहीं पहना हुआ। आगे से चोहोंग कहती है कि आज मैंने तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, और ये भी कहती है कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, आज तुम फैसला कर लो। तो बहुत उलझे उलझे हो कुछ दिनों से, जब तुम्हें पता चल जाए तो तुम खुद आकर मुझे ये नेकलेस पहना देना। और वो नेकलेस उसकी पॉकेट में रख देती है। फिर वो वहाँ पर एक चुटकी बजाती है तो सामने वाली बिल्डिंग की सारी लाइट्स को ऑन कर देती है। फिर वो इसी तरह बार बार अपनी मैजिकल पावर्स दिखाती रहती है, कभी ट्रैफिक रोक देती है तो कभी लोगों को स्टिल कर देती है। और फिर वो उसे कहती है कि यही बात थी जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। और यहीं पर ही ड्रामे की एपिसोड ख़त्म हो जाती है।